क्या आप जानना चाहते हो अगर आप गैलेक्सी 2 पर 40% डिस्काउंट इनक्यूबेटर के अंदर आज 1000 डायमंड खर्च करोगे तो आपको कितने ब्लूप्रिंट और कितने एवोल्यूशन स्टोन मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं 1000 डायमंड खर्च करने वाला हूँ इस इनक्यूबेटर के अंदर, और कुछ ऐसी ट्रिक्स भी यूज़ करने वाला हूँ जिससे आपके जल्द से जल्द गाइस रेयर आइटम निकल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गोल्ड ऑयल में स्पिन कर देगा इस, तो मैंने दो स्पिन करे हैं 10-10 वाले और उनको स्किप भी कर दिया है। इसके बाद गाइस यहाँ पर मेरे पास मेंबरशिप है तो मैं मेंबरशिप क्लेम कर लूँगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हो मेरे पास 580 डायमंड थे, अब 700 डायमंड हो चुके हैं। तो 1000 डायमंड करने के लिए गए हमको 240 रुपीज़ वाला टॉपअप आना पड़ेगा गेम्स खरीदों से, जिससे हमको 300 डायमंड भी मिल जाएंगे। तो टोटल हमारे 1000 डायमंड भी हो जाएंगे गाइस, तो वो भी हम मार देते हैं। चलिए तो देखते हैं गाइस, मैंने टॉपअप तो मार दिया कि डायमंड ऐड हो गए, और हो गए डायमंड ऐड। जी हां गाइस, पूरे के पूरे 250 रुपये हमने लगा दिए है इस बंडल के लिए। तो अब हम पहला स्पिन करेंगे गाइस यहां पर सीधा 108 का, और ये लीजिए गाइस हमने कर दिया है पहला स्पिन महाकाल के नाम से। क्या हमको गाइस मिलेगा ब्लू प्रिंट? ओ एक आगे आ गया, एवोल्यूशन स्टोर मिल गया पहले स्पिन में, 200 एवोल्यूशन स्टोन भाई, लोल भाई गजब हो गया गाइस, ओ माय गॉड। चले गए 108 वाले, एक और स्पिन करते गाइस। क्या 1000 भाई ऐसे ही चलता रहा तो भाई 1000 डायमंड में मेरे को तो 7 एवोल्यूशन स्टोन और 3 ब्लूप्रिंट मिल जाने चाहिए गाइस। देखते गाइस वही किस्मत चलेगी जो पहले स्पिन में आई थी। ओ पहले स्पिन वाली किस्मत यहाँ पर काम द्वारा नहीं करी। चले अब तीसरे स्पिन में देखते गाइस क्या हाल चाल है, क्या हाल कैसा है जनाब का। तो पहला स्पिन तो गए बहुत ही मजेदार था, लेकिन दूसरे स्पिन से गए यहाँ पर हमको असलियत दिखा दिया गरीरा ने अपनी। गरीरा कह रही है कि हम खुशी देते हैं तो पल भर की देते हैं, पल भर का था ये जो खुशी थी उसके। ओ यार हल्का सा ओ भाई मिल गया ओए मिल गया। पहला ब्लू प्रिंट हमको मिल चुका है, ओ मांगो तुरुला। चलेगा इस एक और स्पिन करते 108 डायमंड वाला। जी आ गए बिल्कुल सही सुना आपने अपनी दोनों आंखों से, और ओ बैज मिल, ओ भागो भाई क्या हो रहा है। ओ भाई क्या लक चल रहा है भाई, मज़ा आ गया क्या ही लक चल रहा है। तो मैं आपको सारी ट्रिक बताऊंगा गाइस, जो मैंने यूज़ करी, इतना बढ़िया लक मैंने कैसे करा, ऐसा क्या है अंकुश शर्मा के पास राज जो इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें निकाल ली। ओ वागो तुरुलाव भाई साहब एवोल्यूशन स्टोर, ओ वागो तुरुलाव 4 एवोल्यूशन स्टोर भाई साहब और 3 ब्लू प्रिंट भाई साहब, गजब हो गया। चारिचा तेरा यू मुस्कुराना गजब हो गया। ओके यहाँ पर क्या मिला है मेरे को गाइस, अब 3 एवोल्यूशन स्टोर चाहिए, बस 3 एवोल्यूशन स्टोर दे दो करीना, ए करीना ए करीना 3 एवोल्यूशन स्टोर दे दो करीना दे दो। तो क्या हमको 3 एवोल्यूशन स्टोन मिल पाएंगे? ओ मांगो तुरुला, ओ भाई 5 एवोल्यूशन स्टोन हो चुकी है। ओके दैट्स वेरी 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 गुड, अब सिर्फ 2 एवोल्यूशन स्टोन चाहिए गाइस हमको, और हम बंडल ले पाएंगे गाइस अपना रेयर वाला। ओके ओ वागो तुरुला भाई 1000 डायमंड के अंदर ये बंडल मिल जाएगा, सोचा भी था भाई साहब। गाइस ऐसा लक चलेगा गाइस, अब 24 वाला स्पिन करना पड़ेगा, एक एवोल्यूशन स्टोन चाहिए, दो स्पिन कर सकते हैं 24 वाले, और यहाँ पर हमको फ्रैगमेंट मिली है, एक और स्पिन करते हैं 24 डायमंड वाला। आ आ आ ओके तो यहाँ पर एक और स्पिन करना पड़ेगा 24 डायमंड वाला। क्या होगा। तो यहाँ पर गाइस क्या ही लक चल रहा है भाई। मेरे को एक तो रिक्वेस्ट नहीं आती है ना, गुस्सा आ जाता है भाई साहब। तो भाई साहब का इतना रिक्वेस्ट भेजते हो भाई। तो ये फायर पास में देखते गाइस कि हमने फायर पास से अपना एवोल्यूशन स्टोन ले लिया था या नहीं लिया था। ओ ले रखा है फायर पास से एवोल्यूशन स्टोन ऑलरेडी, यानी कि गाइस अब हमारे पास चारा नहीं है कुछ भी टॉपअप करने के अलावा। तो हमको टॉपअप करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 250 का एक और टॉपअप कर लेता हूँ, तो मेरे पास पेटीएम पे भी पैसा नहीं है, तो पेटीएम पे पैसा ऐड करना पड़ेगा। जल्दी करते गए उससे पहले लक खत्म हो जाए, उससे पहले कर लेते हैं यहाँ पर टॉपअप। तो यहाँ पर हमने और डायमंड ऐड कर दिए हैं। जी हाँ गाइस, आपने अपनी दोनों आंखों से बिल्कुल सही सुना, और अगला स्पिन कर दिया है, इतने डायमंड में हम 3 स्पिन तो कर ही पाएंगे 108 वाले। ओ यार अरे हल्का सा आगे चला गया भाई, काहे ऐसा किया इसने, काहे ऐसा करते हो, इतनी खुशी दे के इतना दुख काहे दे देते हो। चलिए कोई नहीं। ओ 24 वाला नहीं है, क्या हो रहा है। अरे यार ये एक तो टच वाली प्रॉब्लम है भाई, टच कहीं और करो हो कहीं और जाता है। मांगो तुरुला, अरे रे 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 रे
तो गाइस ये तो लोल हो जाएगा गाइस, अगर दही निकला तो 250 डायमंड ऐड करने के बावजूद दही निकल रहा है। अरे रे ओ यार, अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? ब्लूप्रिंट निकल गया क्या? नहीं नहीं नहीं, ब्लूप्रिंट तक नहीं निकला गाइस। फिर से हमारे पास डायमंड की कमी हो चुकी है, तो फिर से 250 डायमंड ऐड करने पड़ेंगे मेरे ख्याल से। अरे यार ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो गड़बड़ है। चारिचा तेरा यू मुस्कुरादा। एक और गाइस यहाँ पर 10 वाला स्पीड मारते हैं गोल्ड ऑयल के अंदर, और फिर से करेंगे हम वहाँ पर स्पीड, ठीक है? तो क्योंकि गोल्ड ऑयल वाली ट्रिक यूज़ करी थी और डायमंड भी ऐड हो चुकी है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अब इंक्यूबेटर में स्पीड करते हैं 108 डायमंड का। तो भाई साहब पूरे 750 डायमंड लग गया भाई, पहले तो इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें दी, अब दे ही रहे हैं। ओके, बैजिस मिलते हैं जस्ट साहब, लेकिन इंक्यूबेटर का एवोल्यूशन स्टोन नहीं मिलता जस साहब। अरे रे 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 रे, दे दो यार, ऐसा ना करो, दे दो यार गरीब। ओ भागो तुरुला। भाई हल्का हल्का आगे पीछे बद दिया करो भाई यार, हार्ट अटैक आ जाएगा। इतना पास पहुंच जा रही है पाथ भी, 108 डायमंड वाला स्पीड। ओके इस बार मिल जाना चाहिएगा, इस बार मिल जाना चाहिए भाई साहब। ओ यार यार, ऐसे हार्ट अटैक मत दिया कर भाई, देखो आगे या पीछे रोकते हैं भाई। अरे भाई ओ मागो तुरुलाव यार, ऐसा काहे किया गरीदा गरीदा, ये क्या कर दिया तुमने, ऐसा कैसे कर सकते हो यार। मतलब गाइस मतलब काटना है तो सच्ची वाला बड़ा वाला काट रहे गाइस ये। फिर से गाइस क्या टॉपअप करें क्या इस बार? ऐसा करते गाइस, भाई साहब कितना टॉपअप करवाओगे गरीदा? ऐसा मत करो यार, इस बार सिर्फ 100 वाला टॉपअप करते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट, कंटिन्यू और पे। ओके कर दिया हमने 100 वाला टॉपअप, तो ओके 108 डायमंड भाई साहब गरीदा, दे दो यार गरीब आदमी हो भाई, एक एवोल्यूशन स्टोन दे दो। अरे भाई ओ मांगो तुरुलाव। ओ भाई फाइनली फाइनली गाइस, कितना सारा टॉपअप करना पड़ा हमको ये एवोल्यूशन स्टोन लेने के लिए भाई साहब, मतलब मैं बता नहीं सकता गाइस। वैसे गाइस अच्छी बात है कि यहाँ पर हमको ज़्यादा हमने किए हैं 250 वाले तीन टॉपअप, यानी कि 300 टोटल मैंने 1000 डायमंड खर्च कर दिए गाइस, ये मान के चलिए ठीक है। 240 वाले थ्री टॉपअप यानी कि 900 डायमंड, और 100 वाला टॉपअप 1000 डायमंड का हमने टॉपअप किया है, और 800 रुपये का होता है ना 1000 डायमंड टॉपअप, तो 240 इंटू 3 कितना हुआ? 480, 520, 620, 720, 820 नहीं 820 नहीं, एग्जैक्ट 800 रुपये का टॉपअप किया गया हमने आज। लेकिन गाइस किस्तों में किया है, अच्छी बात है कि हमने साथ में नहीं किया, किस्तों में किया है। किस्तों में करने का अलग फ़ायदा होता है कि आपका चांसेस बढ़ते रहते हैं, लक बढ़ता रहता है, जितना आप टॉपअप करोगे उतना लक बढ़ेगा ठीक है। अब वो फ़र्क पड़ता है कि कितने वाला कर रहे हो, लेकिन अगर आप अलग अलग करोगे यानी कि 300 वाले तीन टॉपअप और 100 वाला टॉपअप करोगे और आपको 1000 डायमंड चाहिए तो आपका लक ज़्यादा बढ़ेगा, और अगर आप सीधा 800 वाला टॉपअप कर दोगे तो आपका लक कब बढ़ेगा? बढ़ेगा तब भी, लेकिन कब बढ़ेगा ठीक है। इस ट्रिक को कहते हैं टॉपअप ट्रिक। उसके बाद कहते हैं इसे गोल्ड ऑयल में स्पिन कर लिया गया ठीक है, और गोल्ड ऑयल में स्पिन गाइस आपको पता हूँ कब कर देगा, इंक्यूबेटर में स्पिन करने से पहले गोल्ड ऑयल में स्पिन कर लीजिएगा, टॉपअप करने से पहले भी स्पिन कर लीजिएगा। और गाइस याद रखिएगा आपको एक और चीज़ करनी है, कलेक्शन में सब कुछ अनइक्विप कर देना, एडम करेक्टर लेना और पैट में गए पंछी ले लेना, पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में। और इसके बाद गेम रिस्टार्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस गेम रिस्टार्ट जरूर करने गए ठीक है। देख सकते हो आपने मैंने कलेक्शन में कुछ भी इक्विप नहीं कर रखा है, इमोट विमोट कुछ भी इक्विप नहीं कर रखा है, वेपन भी सारे अनइक्विप कर रखे हैं। और ये देखिएगा हमको गन स्किन भी मिलेगा, ये टेम्परेरी मिली होगी ना, ये टेम्परेरी मिली है गोल्ड रॉयल से मिली है, अच्छी सारी गन स्किन चली गाइस। तो अब हम एक्सचेंज कर सकते हैं गाइस इनक्यूबेटर, ओ मा गो टूडू लव। और गाइस मैं एक और एवोल्यूशन स्टोन इलाइट पास के रिवॉर्ड से ले सकता था, लेकिन इस सीजन का इलाइट पास का रिवॉर्ड खत्म हो चुका था और नया सीजन आता है 1 तारीख को, और ये 31 तारीख को इनक्यूबेटर खत्म हो जाता, तो मैंने वहाँ पर रिस्क नहीं लिया, इसलिए मैंने टॉपअप कर लिया। पहले आपने देखा गाइस कि पहले मेरे को 1000 डायमंड के अंदर कितनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन बाद में सिर्फ एक एवोल्यूशन स्टोन लेने के लिए हमको 700 डायमंड के आसपास खर्च करने पड़े ठीक है, 700 डायमंड खर्च करने पड़े सिर्फ एक एवोल्यूशन स्टोन पे। पहले 1000 डायमंड के अंदर 6 एवोल्यूशन स्टोन और 3 ब्लूप्रिंट, और फिर एक और एवोल्यूशन स्टोन 700 डायमंड के अंदर, मतलब लक बदल गया, जज्बात बदल गए, जिंदगी बदल गई, सब कुछ बदल गया पल भर में। तो चले गए कोई बात नहीं, अब सबसे रेयर वाला बंडल ले गया, अब ये वाला जिया गाइस जो आपको मिलेगा गाइस 3 ब्लूप्रिंट और 7 एवोल्यूशन स्टोन के अंदर, क्या बात है क्या चीज है पैसा। ओके व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा, ओ मा गो तुरुला, स्टार क्लिस्टर बंडल मिल चुका है हमको, वाओ।
ओके पे क्लिक करके ओपन गंगनम स्टाइल यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे गाइस हम ओपन गंगनम स्टाइल। जी हाँ गाइस बिल्कुल सही सुना आपने, अपनी दोनों आंखों से तो कर देते हैं ओपन गंगनम स्टाइल। जी हाँ गाइस चार पीसेस का बंडल है, इसको किप नहीं करना था। अरे आइटम पे क्यों किप कर दिया मैंने, पागल हूँ मैं अभी। चले कोई बात नहीं गाइस, और इसकी चाल से पता चल रहा है आइटम खड़ा हुआ है। आपको पता है अंदर दिख नहीं रहा, लेकिन आइटम भी बिल्कुल ऐसे खड़ा होता है। हर बंडल की मतलब हर कैरेक्टर की खड़े होने की चाल अलग अलग होती है, तो आप उनकी चाल से पता कर सकते हो। एडम खड़ा है, हायाटो खड़ा है, हायाटो तो पूरा पेट बाहर निकाल के खड़ा होता है, उसका तो अलग ही पता चल जाता है लोल। तो उम्मीद करते हो गए आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा गाइस इनक्यूबेटर में स्पिन करने के लिए, पैसों का स्पिन होता है गाइस, फ्री का स्पिन नहीं होता। आपने देखा भी मैंने कितना पैसा बर्बाद किया, ठीक है। मैं यूट्यूबर हूँ इसलिए कर देता हूँ, लेकिन गाइस आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अपना पैसा, कीमती पैसा बर्बाद मत करेगा, ठीक है। मेरे को वीडियो बनानी थी इसलिए किया मैंने, तो भी अगर मेरे को वीडियो ना बनानी होती तो भी मैं भी नहीं करता, ठीक है। इस वीडियो का अंत देखने लगा आपके लिए जोरदार क्लैपिंग, इसमें पैसा बर्बाद कर दीजिए बढ़िया। असली में कोई कपड़ा ले लीजिए, असली में जैकेट वैकेट ले लीजिएगा, सर्दी का टाइम है, अच्छी सी जैकेट ले लीजिएगा इस कंपनी की, ठीक है। इस ओके गाइस, आप मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।